पाँच साल पहले भी, पाँच छः साल पहले भी एक ऐसी घटना हुई थी। यही घटना हमारे फैक्ट्री मतलब मोहल्ले के अंदर थी, यही फैक्ट्री, तो वहाँ पे भी सात आदमी मारे गए थे। यही धमाका तब हुआ था, यानी कि गोला तो बनाते नहीं, गोले के इस पर ला के इनको मजदूरों को 200 रुपये की मेहनत देते हैं, अब गोला बनाएगा छोटा वाला, लेकिन गोला तो बनाते नहीं, बारूद बनाते हैं, गोले बनाते हैं, छोड़ते हैं, सारे देश को मिटा दे जितने भी हो सके करके, इस काम तमाम कर दो इसका। इनकी महिला, इनकी घरवाली थी, एक रामपड़ है इनकी घरवाली थी, इनके हमारे मोहल्ले की तीन चार औरत थी बेचारी। इनका कितने लोगों की मौत की बात, फिलहाल तो कम से कम ज़्यादा नहीं कहता, छः आदमी की मौत हो ली। क्या कोई बच्चा भी था? एक बच्चा भी था जो अब तक नहीं मिला, नहीं मिला गायब, अब तक नहीं मिला गायब है। कितने लोग काम करते थे इस फैक्ट्री में? फैक्ट्री के अंदर ये तो पता नहीं कितने काम करते थे, क्योंकि हमारे मोहल्ले की जो महिला थी कम से कम चार आदमी औरतें काम करती थी और बाकी काम घूम के थे बेचारे। हादसा तो बहुत ही दर्दनाक है, तो बहुत बड़ा विस्फोट है। हम भी यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पर बैठे थे, वहीं धमाके सुनाई दिए, मीटिंग चल रही थी, बहुत ही दर्दनाक है। 2008 में भी यहाँ फैक्ट्री में एक विस्फोट हुआ था, उसमें भी चार डेड बॉडी आई थी, लेकिन आज 3 महिलाओं और दो एक लड़के की, जिसकी उम्र 18-20 साल है, अकेला लड़का है, बहुत दर्दनाक दुर्घटना घसोली का। और एक इंतजार जो फैक्ट्री चलाता था, तो 5 डेड बॉडी तो अब तक मिल चुकी है, एक हो गई, 6 थी 5, 5 मिल गई, एक भी अभी खोज जाती है। बहुत दर्दनाक घटना है, मैं समझता हूँ सब महिलाएं भी परिवार उनके लागे हो। मंत्री जी, सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं आप, किसी तरीके के मुआवजे के लिए बात की गई है अभी तक? बात हुई थी अभी, क्योंकि पहले जिनके भूमि नहीं है, जो नियम था 5 लाख तक का, और वो जिम्मेदारी भी है सरकार की, क्योंकि जो घटनाएँ हैं वो मुआवजा जो भी बात हमारी हुई है अभी फिर बना है, तो मैं समझता हूँ कि 5 लाख तो है ही, लेकिन इसके अलावा भी जनप्रतिनिधियों की निधि का पैसा इसमें जा सकता है, वो थोड़ा जांच का बिंदु है, उसमें से जाएगा तो हम अपनी निधि से देंगे, और मुख्यमंत्री से मांग करके ज़्यादा से ज़्यादा। किस तरीके से हादसे में काफ़ी लोग यहाँ पे मर गए जी, और यहाँ पे कुछ लेडीज थी हमारे मोहल्ले से, मेरी मिसिज थी जिसका नाम निर्मला है, यहाँ पे काम करने के लिए आती थी, इसको 200 रुपये में लाते थे बुला के, और यहाँ पे अभी छोटा कुछ सामान बनाते थे, क्या पता गोला बारूद वैसा क्या क्या बनाते थे, क्या क्या लेते थे वहाँ से, पटाखे बना के हल्के मामले के, और यहाँ पे भारी मात्रा में वो बना रहे थे गोला बारूद। मौत हो गई उनकी? उनकी मौत हो गई। अब तक कितने लोगों की मौत आपको जानकारी मिली? अब से कम ये हो गई जी 3 और 4, 7 लोगों की मौत हो चुकी है फिलहाल, अभी जो तस्दीय में आए हैं, मतलब यहाँ से निकले हैं जो, मतलब में से, और अभी इंक्वायरी चल रही है। कब से ये फैक्ट्री चल रही है? ये फैक्ट्री तो काफ़ी दिन हो लिए इसको। आपकी वाइफ कितने दिन से काम करते थे? मेरे वाइफ तो करीब हो गए जी। अच्छा, जो धमाका हुआ है कोई पटाखा फैक्ट्री में आग लगी, क्या मामला है? ये आज ही एक धमाका हुआ जी पटाखा फैक्ट्री में, इसमें 4 आदमी के मरने की पुष्टि अब तक हो चुकी है जी, और अभी देख रहे हैं इसमें कितना क्या होगा जी। अच्छा जी, जैसे पटाखा फैक्ट्री में आग लगी है, कुछ पता है कैसे लगी, कुछ कारण? इसका नहीं पता चल पाया, जिसमें अंदर ये काम कर रहे थे यहाँ से मजदूर। अच्छा, मजदूर आज भी काम कर रहे थे, प्रशासन मौके पर आया है? नहीं, प्रशासन मौके पर है जी फिलहाल, यहाँ से ये भी आए आग बुझाने की। वो अच्छा, फैक्ट्री पता है किसकी थी, कुछ बता सकते हो? नहीं कह सकते किसकी थी, है कस्बे वालों की है, वैसे इंतजार की है शायद, इंतजार की। 5-7 मजदूर काम कर रहे थे इसके अंदर, 5-7 आदमी काम कर रहे थे। अच्छा, अभी कितने की मौत हुई है जो पता लगा है? इसमें 4 की अभी पुष्टि हो चुकी है। अभी कोई आगे मौत होने की आगे भी कोई देख रही है? अभी अगर पता चल गया तो हो सकता है कि हो सकता है अभी 5-7 आदमी काम, ये पटा फैक्ट्री थी और ये पानी का प्लांट था बराबर में, 5-7 आदमी इसमें काम कर रहे थे, ये मालूम नहीं कैसे आग लगी, किस तरह हुआ, क्या हुआ, तो 4 तो इसके जो है एक्सपायर हो लिया, और का मालूम नहीं एक्सपायर है या नहीं है, क्या अभी प्रशासन आ रहा है, ये अभी जानकारी कर रहा है पानी का वो आ रहा है, तो इसलिए कोई अभी मालूम नहीं कितना आदमी यहाँ पे वो हो गया। अच्छा, ये कब से फैक्ट्री से संचालित थी यहाँ पे, कुछ बता सकते हो? भाई ये मेरे को मालूम नहीं, 1.5 साल से अभी लगी है, पानी प्लाट काफी टाइम से था यहाँ पे। ये दिल्ली सहारनपुर रोड पर पटाखा फैक्ट्री थी यहाँ पे। अच्छा, अचानक से भीषण बस आग लग गई, जिससे कि बहुत खतरनाक धमाका हुआ। अच्छा, इसमें 2-3 आदमियों की मौके पर ही मृत्यु हो गई। अच्छा, कितना समय हो गया इस आग लगे हुए? इसे 20 से 25 मिनट तक हो गई होगी। तो प्रशासन आया अभी तक मौके पे? जीप आ गई है शायद। हाँ, तो और बाकी कार्रवाई चल रही है, और भी किसी तरह का कोई राहत कार्य है, कोई एम्बुलेंस या किसी तरह? अभी एम्बुलेंस कोई नहीं आई, फायर ब्रिगेड वगैरह? फायर कोई नहीं आई है अभी।